हेलो एवरीवन। सो यार, आज की वीडियो में हम लोग फ्लड फिल एल्गोरिथम पढ़ने वाले हैं। फ्लड फिल एल्गोरिथम या फिर कलरिंग ऑफ ग्राफ और फिलिंग, इस एल्गोरिथम में क्या होता है और इसका कहाँ पे यूज़ होता है, ये मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो यार, फ्लड फिल एल्गोरिथम बेसिकली होता क्या है कि फ्लड फिल एल्गोरिथम में हमें एक ग्राफ मिलता है और मोस्टली इम्प्लिसिट ग्राफ पे हम फ्लड फिल एल्गोरिथम करते हैं। टू डायमेंशनल ग्रिड वाले जो ग्राफ होते हैं, जो इम्प्लिसिट हमने पिछली वीडियो में देखा था। जिन्होंने भी पिछली वीडियो नहीं देखी है वो प्लीज़ देख लें, ताकि इस एल्गोरिथम को समझने में ज़्यादा आसानी हो। जिन्होंने प्रीवियस वीडियो देखी थी, इस एल्गोरिथम को सीखने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, बस छोटी सी चेंजेस होगी पुराने वाले कोड में, ताकि हम फ्लड फिल एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट कर पाए। तो बेसिकली इस एल्गोरिथम में हम करते क्या हैं कि ये जो तुम्हें कनेक्टेड कॉम्पोनेंट दिख रहे हैं, कनेक्टेड कॉम्पोनेंट क्या होते हैं मैं पिछली दो वीडियो से बता चुका हूँ, सो फर्दर एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो कनेक्टेड कॉम्पोनेंट जो तुम्हें दिख रहे हैं, इस मान लो ये पूरा एक कनेक्टेड कॉम्पोनेंट है, तो इसमें इंडिविजुअली कितने कॉम्पोनेंट है उसको काउंट करने का कोई तरीका जो होता है, जो एल्गोरिदम होता है, उसको हम फ्लड फिल एल्गोरिदम कहते हैं। और इसको काउंट करते वक्त हम क्या करते हैं कि इस सबको मार्क कर देते हैं। या तो हम विजिटेड वाले मैट्रिक्स का यूज़ करेंगे, या तो हम क्या करेंगे, इस कैरेक्टर को चेंज कर देंगे। यानी कि एक बार ही हमने ये वाला कनेक्टेड कॉम्पोनेंट अगर एक्सप्लोर कर दिया है, तो इस पूरे कनेक्टेड कॉम्पोनेंट को हमने अलग कलर में या फिर अलग सिंबल में मार्क कर दिया। इसलिए इसको कलरिंग ऑफ ग्राफ भी कहते हैं या फिर फिलिंग भी कहते हैं, क्योंकि इसको हमने दूसरे सिंबल से फिल कर दिया है। अब बाकी जगह हम वन ढूंढेंगे। अब जहाँ जहाँ पर हमें वन मिलेगा, तो जैसे ही वन मिलेगा तो हमें उस कनेक्टेड कॉम्पोनेंट के पहले एलिमेंट्स काउंट करने हैं, और उन एलिमेंट्स को काउंट करते हुए हमें इनके सिंबल भी चेंज कर देने हैं, ताकि दोबारा हमें कभी वो वन मिले ना। यानी कि जो भी कनेक्टेड कंपोनेंट हमने एक जगह काउंट कर दिया है, वो दूसरी जगह ना आए। तो ऐसे करते करते ग्राफ के जितने भी कनेक्टेड कंपोनेंट हैं, वो सारे हम धीरे धीरे काउंट कर लेते हैं कि टोटल कितने कनेक्टेड कंपोनेंट हैं, ये भी काउंट कर सकते हैं इस एल्गोरिदम से। और हम ये भी काउंट कर सकते हैं कि हर एक कनेक्टेड कॉम्पोनेंट के अंदर इंडिविजुअल कॉम्पोनेंट कितने हैं, और किसी एक पर्टिकुलर टाइप के नोट को या सिम्बल को हम बाकी सबसे अलग रिप्रजेंट कर सकते हैं उस पूरे ग्रिड में, जो भी हमारे को एज एन ग्राफ मिला है। सो, अगर पहले स्टेप की मैं बात करूँ, कि मान लो हमें ये ग्रिड मिला होता और हमें इस वाले कोऑर्डिनेट का पॉइंट मिला होता कि ये हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट है जहाँ से हमें एक्सप्लोर करना है ग्रिड, जहाँ पे पहला वन आ रहा है, तो फ्लड फिल एल्गोरिदम लगाने के बाद हमारा ग्रिड कैसा दिखेगा? तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। मैंने वन सिंबल को किससे एक्सचेंज कर दिया, डॉट से एक्सचेंज कर दिया। तो फ्लड फिल एल्गोरिथम में हम दो करेक्टर लेके चलते हैं, एक जो हमारा टारगेट करेक्टर होता है, दूसरा जिसमें हमें चेंज करना होता है। और आउटपुट हम फ्लड फिल एल्गोरिथम का क्या देते हैं, या तो हम वॉइड भी कर सकते हैं कि अगर हमें सिर्फ चेंज करना हो, या तो हम ये आउटपुट दे सकते हैं कि टोटल कितने कनेक्टेड कॉम्पोनेंट थे, या तो एक कनेक्टेड कॉम्पोनेंट में हमारे कितने इंडिविजुअल आइटम थे वो कितने हैं वो काउंट करना होता है। फ्लड फिल एल्गोरिथम बेसिकली ये थर्ड रीज़न की वजह से ही यूज़ होता है, कि हमें काउंट करना होता है कि हमने इस कंपोनेंट से स्टार्ट करा तो इस कंपोनेंट में कितने इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं, तो उसको हम रिटर्न करते हैं फ्लड फिल एल्गोरिथम में। तो इसके कोडिंग पार्ट में हम समझेंगे कि यार कैसे इसका कोडिंग करना है। उससे पहले मैं ये बता देता हूँ कि आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने DFS और BFS और फ्लड फिल एल्गोरिथम करने के लिए UVA प्रॉब्लम की जो वेबसाइट की लिंक है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। उस लिंक के जितने भी प्रॉब्लम है तुम उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। और एक दिन का मैं ब्रेक दे रहा हूँ, एक दिन के ब्रेक के बाद हम टॉपोलॉजिकल सॉर्ट से स्टार्ट करेंगे। सो एक दिन के ब्रेक में फ्लड फिल एल्गोरिथम और DFS और BFS अब तक जितना करवाया उसको प्लीज़ अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। सो, यहाँ पे मेरे पास एक प्रॉब्लम है। मान लो इस तरीके की कोई प्रॉब्लम रहती है, जहाँ पे W रिप्रेजेंट करता है वेटलैंड और जहाँ पे L रिप्रेजेंट करता है सॉलिड लैंड। तो हमें बेसिकली करना क्या था, इसमें मैं पहले वाले सेल से स्टार्ट कर रहा हूँ, और जनरली हमें क्या करना होता है, हमारे को प्रॉब्लम में या तो कोऑर्डिनेट्स देगा वो अलग पहले से ही कि ये कोऑर्डिनेट्स हैं और इससे कनेक्टेड जितने कंपोनेंट्स हैं तुम उसका काउंट बता दो, या तो हम हर एक कंपोनेंट को सर्च करते जाते हैं और हर एक कंपोनेंट का काउंट बताते जाते हैं। तो तुम्हें ये एल्गोरिदम समझाने के लिए मैंने सिर्फ पहले वाला ही जो ये कॉम्पोनेंट है इसको एक्सप्लोर कराया है, और इसमें कितने कनेक्टेड कॉम्पोनेंट है वो मैंने काउंट कराया है। तो जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि जो मेरे एडजेसेंट सेल्स होंगे वो जनरली 4 होते हैं अगर प्रॉब्लम में ना दिया हो, लेकिन अगर मेरे को प्रॉब्लम में दिया है कि मेरे जो एडजेसेंट सेल्स हैं वो 8 डायरेक्शन में, यानी कि सारे डायरेक्शन में हैं,
तो मैं कैसे मैट्रिक्स में ट्रैवर्स करूँगा उसको आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एट डायरेक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सो मैं इस वाले सेल से कॉल कर दूंगा अपने फ्लड फिल एल्गोरिथम को 00, और जो करेक्टर मेरा टारगेट है वो पहला करेक्टर है और जिसमें मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ वो दूसरा करेक्टर है। तो इस एल्गोरिथम को कॉल करने के बाद मेरी मैट्रिक्स कैसी दिखनी चाहिए? मेरी मैट्रिक्स ऐसे दिखनी चाहिए कि ये जितने डब्लू कनेक्टेड थे आपस में वो सारे डॉट में हो गए हैं। अब तुम देख रहे होगे कि यहाँ पे मैंने डायगनल वाले को भी अपना एडजेसेंट सेल माना हुआ है। यहाँ पे हम एट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो फ्लड फिल एल्गोरिथम की वर्किंग देख लेते हैं। मैंने इस बारी विजिटेड वैक्टर का यूज़ नहीं करा है क्योंकि मैं दो करेक्टर का यूज़ कर रहा हूँ। अगर हम दो करेक्टर का यूज़ करते हैं ऑलरेडी एक जो टारगेट है और जिसमें हमें चेंज करना है, तो हमें विजिटेड की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि जितने भी हमारे को अब कनेक्टेड कंपोनेंट मिलेंगे वो हमेशा कन्वर्ट हो जाएंगे दूसरे करेक्टर में, तो वो कभी भी रिपीट नहीं होंगे। तो इसमें हमें ट्रैवल करने हैं एट डायरेक्शन में। पहले हमें फोर डायरेक्शन में ट्रैवल करना था, तो DIR जो मैंने मैट्रिक्स बनाया था पहले उसका साइज़ 4:2 था, अब 8:2 हो गया है। सारे डायरेक्शन मैंने ले लिए हैं। एडिशनल डायरेक्शन क्या है इसमें? माइनस माइनस भी आ गया, -1 1 1 -1 एंड +1 +1। तो इस चीज़ से हमारे एट के एट डायरेक्शन पूरे हो गए। जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन एक पर्टिकुलर सेल से हो सकते हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। ये छोटा सा चेंज है। और दूसरा, हमने जो वैलिड वाला बनाया था अपना फंक्शन उसमें IJ पास कर रहे थे, इस बारी मैंने कैरेक्टर C1 भी पास कर दिया कि जो VIJ इक्वल्स टू हमें पहले से पता होता है। तो अब अगर प्रॉब्लम में हमारे को इनपुट कैरेक्टर भी लेना होगा तो C1 से मैं कंपेयर कर रहा हूँ। तो वैलिड वाला फंक्शन तो एज इट इज़ ही रहेगा कि ये सारी कंडीशन मेट होगी तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा वरना फॉल्स रिटर्न करेगा। फ्लड फिल एल्गोरिदम में हमने क्या करा, इंट आंसर इक्वल्स टू 1 कर दिया, इनिशियलाइज 1 से कर दिया। ऐसा क्यों कर दिया? क्योंकि जो पहला कोऑर्डिनेट हमें मिलेगा प्रॉब्लम से, जो मैंने कहा था कि इस प्रॉब्लम में मैं पहला वाला ले रहा हूँ, तो वो पहले से ही है। अगर ये पहले से हमें नहीं मिलता तो हम यहाँ पे चेक कर लेते कंडीशन कि जो कोऑर्डिनेट्स हमें मिले हुए हैं वो हमारे डिज़ायर्ड कैरेक्टर है कि नहीं है। अगर है तभी हम फ्लड फिल एल्गोरिथम कॉल करते हैं। तो फ्लड फिल हम तभी कॉल करेंगे जब हमारा पहला जो एलिमेंट होगा, जो कोऑर्डिनेट हमें मिले हैं उस पे हमारा डिज़ायर्ड कैरेक्टर है। तो डिज़ायर्ड कैरेक्टर है यानी कि आंसर में मेरा पहले से 1 तो आना ही चाहिए। आगे मेरे को कनेक्टेड कॉम्पोनेंट मिले या नहीं मिले उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। और मेरा अगर ये डिज़ायर्ड कॉम्पोनेंट है तो मैं इसको सेकेंड कैरेक्टर में चेंज करना चाहूँगा कि इस W को मैंने अब डॉट से रिप्लेस कर दिया यहीं पे। तो जैसे जैसे मेरे को आगे मिलते जाएंगे कंपोनेंट उसको मैं काउंट करूँगा और उसको रिप्लेस कर दूंगा। तो अभी मेरा आंसर इक्वल्स टू 1 है। अब मैंने फॉर लूप चलाया 0 से लेके 8 तक के लिए। सारे 8 डायरेक्शन अब मैं एक्सप्लोर करूँगा। न्यू एक्स और न्यू वाई मैंने पुरानी मेथड की तरह जो प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था उसी से हमने न्यू एक्स बना लिया और न्यू वाई बना लिया। और फिर उसके बाद मैंने सिंपल वैलिडेशन कंडीशन चेक कर ली कि मेरे ये जो न्यू कोऑर्डिनेट्स हैं वो मेरे सही हैं कि नहीं है। अगर वो सही होते हैं तो मैं फ्लड फिल एल्गोरिदम कॉल कर देता हूँ इन न्यू कोऑर्डिनेट्स पे, और अगर वो न्यू कोऑर्डिनेट पे मेरा डिज़ायर्ड करेक्टर मेरे को मिल जाता है तो वो भी मेरा क्या करेगा, आंसर इक्वल्स टू 1 करेगा। और रिटर्न करेंगे जब आंसर तो वो वहाँ से 1-1 मेरा रिटर्न करके देगा, यानी कि हर एक डिज़ायर्ड कंपोनेंट के लिए मेरे को 1 रिटर्न में मिलेगा। और वो 1 कहाँ पे ऐड हो जाएगा, इसके आंसर में ऐड हो जाएगा। तो जब एक पर्टिकुलर सेल से हमने बाकी जगह फ्लड फिल कॉल करा और उन फ्लड फिल से जो हमारे आंसर सारे कैलकुलेट होके आएंगे वो सारे इस आंसर में ऐड हो जाएंगे और ये आंसर मेरा लास्टली रिटर्न कर देगा। सिंपल रिकर्सिव है। और देखा जाए तो ये हमने कुछ नहीं करा, ये हमने DFS ही लगाया है। फ्लड फिल मैंने नेम चेंज कर दिया, तुम चाहो तो इसको DFS भी कॉल कर सकते हो। बस यहाँ पे हमने क्या ट्विक करा है कि हमने एक ये आंसर वेरिएबल नया बना लिया और उस करेक्टर को हमने चेंज कर लिया। बाकी सारा DFS फंक्शन ही है और इसमें हमने आंसर रिटर्न कर दिया। अगर DFS के अंदर भी हमें कभी काउंट करना हो तो हम सिंपल काउंट भी DFS के अंदर लगा सकते हैं। अगर इस चीज़ को हम हटा दें तो वो सिंपल DFS ही बन जाएगा। तो इसलिए इसको अलग से कोड बार सेव करके रखने की ज़रूरत नहीं है अपने ग्राफ वाले क्लास में। हम DFS वाले फंक्शन को ही चेंज करेंगे कभी भी अगर हमें फ्लड फिल लगाना होगा तो। सो आई होप यार तुम्हें ये एल्गोरिदम समझ में आया होगा, और जो मैंने 3 लिंक शेयर करे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम उनमें से कुछ कुछ प्रॉब्लम एटलीस्ट ट्राई करोगे ताकि इन तीनों एल्गोरिदम की तुम्हें अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो जाए। सो यार मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।